शांतनु कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक शुभम भारद्वाज जी। मुंगेर में जो घटना घटी है माता के विसर्जन के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा हृदय विदारक घटना घटी है, गोली चलाया गया, लाठीचार्ज किया गया है, क्या कहना है आपका? क्या कहा जाए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर कहने के लिए तो कोई शब्द है नहीं। ये औरंगजेबी शासन में भी नहीं हुआ होगा। जो गृह सचिव आमिर सुभानी जो अभी बिहार का कर्ता धरता बना हुआ है, चुनाव आयोग के समय में भी सारा पावर उसके पास है। गृह हमारा पूरा आरोप नहीं, एकदम सिद्ध है कि ना आमिर सुभानी 26 तारीख को विसर्जन के लिए जिद किया होता, ना ऐसी घटना घटित होती। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अगर एक घंटा रुक ही जाती माता की प्रतिमा तो कौन सा पहाड़ टूटने को था? माता का भक्त माता का प्रतिमा कब विसर्जन करे, कितने बजे विसर्जन करे, ये माता का भक्त तय करेगा। अगर विलंब हो जाएगा तो गोली चला दोगे। निहत्ते अहिंसक शांति प्रिय हिंदू समाज माता का प्रतिमा विसर्जन करने के लिए जा रहा था और रास्ते में लाठी मार करके आप उसको पहले मारे और बाद में अगर थोड़ा सा प्रतिकार हुआ, ठीक है मान लेते हैं एक आधा पत्थर चल ही गया, तो 47 का ब्रश फायर ओपन कर देंगे आप, गोली चला करके निहत्ते निर्दोष अहिंसक लोगों पर की हत्या कर देंगे। हम मांग करते हैं बिहार चुनाव आयोग से, केंद्रीय चुनाव आयोग से, कि आमिर सुभानी, मुंगेर एसपी लिपि सिंह, मुंगेर जिला पदाधिकारी राजेश मीणा, इन तीनों के साथ जितने भी पुलिसकर्मी इस गोलीबारी में शामिल थे उनको केवल बर्खास्तगी नहीं है, तो छोटी सी बात हो गई बर्खास्तगी। हमारा मांग केवल बर्खास्तगी का नहीं है, हमारा मांग है कि उन पर अविलंब 302 लगा करके 302 IPC लगा करके उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको अविलंब सजा दिया जाए, इतना मांग हम सरकार से करते हैं। आज आप लोगों के द्वारा बेगूसराय जिला प्रशासन के सामने एक मांग रखी गई है, मांग पत्र रखा गया है, क्या है वो मांग पत्र? मांग पत्र में हमने जो आपको कहा कि आमिर सुभानी, लिपि सिंह और राजेश मीणा क्रमशः गृह सचिव बिहार, SP मुंगेर और DM मुंगेर, इन तीनों की बर्खास्तगी, इन पर IPC 302 के तहत इनके ऊपर हत्या का मुकदमा चले, इनकी अविलंब गिरफ्तारी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये हो, 1 करोड़ रुपया मिनिमम मुआवजा मृतकों को, घायलों को 50 लाख रुपया मुआवजा, ये मांग किया गया है। और गृह सचिव को तो अविलंब हटाया जाए, यहाँ से नहीं शुरू से ही धर्म विरोधी हिंदू विरोधी है। आज तक माता के विसर्जन में कभी गोली नहीं चली, आखिर क्या मजबूरी थी? क्या उनके पास 47 था? क्या वो हथियार लेकर के जा रहे थे? वो तो माता का भजन गाते हुए, माता का गीत गाते हुए वो विसर्जन में जा रहे थे। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई? आपने देखा बच्चे का तस्वीर, सीने पर बाएं तरफ 4-4 गोली मारा गया है, सर फटकर के हाथ में आ गया है, ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं होगी। कोरोना का काल है, आचार संहिता का है, कितना बर्दाश्त करेगा हिंदू? हम अगर माता का विसर्जन करने जाते हैं गोली मार दोगे? ऐसा तो औरंगजेब के समय में भी नहीं हुआ है। इसलिए हमारा मांग है अविलंब गिरफ्तारी आमिर सुभानी की, लिपि सिंह की और आपका जो ये है वहाँ के जिला पदाधिकारी राजेश मीणा समेत जितने लोग इसमें लगे हुए थे। ये लिपि सिंह को संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण उसका हटना चाहिए, और आमिर सुभानी को संरक्षण प्राप्त, इन लोगों का संरक्षण प्राप्त, जो तंत्र के लोग हैं, जो ऊपर के लोग हैं, मैं एक व्यक्ति का क्या नाम लूं? अभी चुनाव आयोग के हाथ में सारा चीज है, चुनाव आयोग ऐसा कर रही है, उनको तो अविलंब हटाना चाहिए। गृह सचिव के ऊपर पहला आरोप नहीं लगा, दर्जनों सैकड़ों बार लगा, लेकिन वो कुछ लोगों के कूल डूड बने हुए हैं, जो कहते हैं ना फायर बॉल बने हुए हैं, इसीलिए उनको हटाने का हिम्मत नहीं करता है तंत्र। SP लिपि सिंह का बयान आया है कि पहले वहाँ जो माता के भक्त थे उनके द्वारा पत्थरबाजी की गई और गोली चलाई गई, क्या ये कहाँ तक सच? वो इतना जल्दी इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, उनको अपना पुलिस का गलती नहीं दिखाई पड़ता है। वो 8 घंटा 10 घंटा नहीं हुआ, उनका बयान भी आना शुरू हो गया कि पत्थरबाजी, ठीक है पत्थरबाजी हुई, हम मानते हैं अगर कुछ लोग की, हम कह नहीं रहे, हम आरोप नहीं लगा रहे, अगर कोई उपद्रवी तत्व पत्थर भी फेंक दिया तो आप गोली चला दोगे? आप 10 साल के बच्चे पर 4-4 गोली 47 से कलेजे में मारोगे? आप सर फाड़ दोगे गोली मार करके? माँ दुर्गा क्षमा नहीं करेगी, हिंदू समाज बताएगा, समय के साथ बताएगा हिंदू समाज। कल मुंगेर में चुनाव है, क्या चुनाव में इसका असर पड़ सकता है? निश्चित पड़ेगा, लेकिन हम वोट बहिष्कार के लिए तो नहीं कहेंगे। इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि हम आपसे किस तरह का क्या बात करें, और वोट की बात हमको लगता है हमसे मत कीजिए। और बहुत निंदनीय घटना है, पहले तो कार्रवाई हो, वोट सब अपने जगह, कार्रवाई पहले होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का बयान आया है चुनाव आयोग के द्वारा कार्रवाई की जाए, क्या लगता है कार्रवाई होगी? अगर उन्होंने मांग किया है तो ठीक है, मांग तो सबको हम लोग भी कर रहे हैं, मांग के साथ उनको प्रेशर भी देना चाहिए। मांग क्या होता है, आप सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आप सरकार में हैं थे, अभी तो चुनाव आयोग का शासन है, आप प्रेशर बनाइए।
आपके सारे प्रत्याशी बैठ जाएं धरना पर, हमें किसी एक विशेष पार्टी को, मैं भाजपा या जदयू या राजद को नहीं बोल, मैं सबों को, मैं सभी नेताओं को बोल रहा हूँ, मेरा किसी इसके साथ बढ़िया संबंध या खराब नहीं होता, जो हिंदुत्व की बात करेगा हम हैं उसके साथ। तो अब बात करिए ना, सुशील मोदी मांग क्या कर रहे हैं, सुशील मोदी जी को प्रेशर देना चाहिए, इस पर तुरंत कार्रवाई करें, और कार्रवाई का मतलब जो दोषी है उस पर तो कार्रवाई होगा। पहले जो आपका प्रथम दृष्टया है लिपि सिंह का सस्पेंड होना, राजेश मीणा जो जिला पदाधिकारी है उनका सस्पेंड होना, और सबसे जल्दी सस्पेंड गृह सचिव का, ये बिहार को ही बर्बाद कर देगा, इन कोई पर्व त्यौहार होने देता है। अभी रमजान का महीना था, मुहर्रम का समय था, आराम से निकला बेगूसराय में तजिया, पूरे बिहार में तजिया निकला, कोई रोक टोक नहीं, जबरन कल राइफल के बल पर ठेला लगा करके, क्या कहते हैं, टेलर लगा करके जबरदस्ती किया गया, जहाँ नहीं किया गया विसर्जन उसको कहा गया कैसा केस करेंगे, 5-5 साल तक भुगतोगे। औरंगजेबी शासन नहीं है, हिंदुओं का शासन है, 2020 है ये। बहुत बहुत धन्यवाद।